आप जो बता रहे हैं। लेकिन सर एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के ओडिशा शहर में भीषण आग की खबर आ रही है। युद्ध के पहले दिन से ओडिशा पर ब्लैक सी से रूसी वॉरशिप कर रहे हैं हमला। सीधा दिखाएं विजुअल्स, ओडिशा में रूसी हमले से गैस पाइपलाइन और कई रिहायशी इलाकों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएं। ओडिशा के पोर्ट पर कब्जा रूस के लिए सातवें दिन भी बड़ी चुनौती रहा है, ये देखें आप। ये आपके सामने हम खबर दिखाने में चाहूंगा। इसके बगल में जो हमारे पास फायरिंग के शॉट्स है, अगर वो टू विंडो में अगर हम दिखा पाए, ये बहुत हैरान करने वाली खबर आ रही है ओडिशा से। एक और बड़ी खबर बता दूं आपको, यूक्रेन के ओडिशा में मंडरा रहे हैं रूसी हेलीकॉप्टर। एक के बाद एक कई हेलीकॉप्टर तेजी से उड़े। रूसी हेलीकॉप्टर किस ओर जा रहे थे ये पता नहीं है। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक के पास। अभिषेक, ओडिशा एक पोर्ट शहर है और वहां पर सबसे पहले आप वहीं पर थे जिस दिन ये अटैक हुआ। मैं जानना चाहूंगा वहां पे जो रेजिस्टेंस मिल रही है अभी, क्या ये समझा जाए कि वहां पर कब्जा करना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है? बड़ी चुनौती। और मैं आपको एक अहम जानकारी दे दूं, वहीं पर पास में माइकोलोव है, माइकोलोव रीजन है, एग्जैक्टली ओडिशा के बगल में ही है। और वहां पर एक बड़ी, मैं आपको एक बड़ी अहम जानकारी देने जा रहा हूं, एक तुंगुसा करके एंटी एयरक्राफ्ट वेपन है, सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन रशियन है, उसको वहां पर तैनात किया गया है। और बड़ी बात यह है कि ये जो है इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन है, इसमें मिसाइल हैं, और एग्जैक्टली जो लो फ्लाइंग इनके इनके प्लेन हैं और साथ में तमाम जो एयर अटैक की संभावनाएं हैं उसको काउंटर करने के लिए ये वहां पर तैनाती की गई है। और इसके अलावा ओडिशा में एक बात मैं आपको और बता दूं, ओडिशा का जो मिलिट्री बेस है उस पर ये लगातार अटैक कर रहे हैं। एक और ओडिशा में कर रहे हैं, दूसरी और एजो में कर रहे हैं, सी ऑफ एजो वहाँ मारियोपोल में कर रहे हैं, यानी कि जो कोस्ट के इलाके हैं, एक और एजो है, एक और ब्लैक सी के पास है ओडिशा। दोनों मुकेश जी मेरे साथ हैं। अभिषेक, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन की राजधानी कीव से, बर्बादी की सबसे नई तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर देखें नेबेलिट्ज़ा गांव में रूस का जो जबरदस्त हमला हुआ है, उसके बाद हर तरफ देखें आप किस तरीके से तस्वीरें, हमले में गांव का हर एक मकान बर्बाद हो गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, एक और चीज आपको बता दूं, यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो हमारे पास जानकारी है, कीव, सुमी, चेरकासी और पोल्टावा में बजे एयर सायरन, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा वो कौन कौन से इलाके, सीधे प्ले ऑन करें यहां पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।